नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज की देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये है ठोस वस्तुओं का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये हमारी 24वीं क्लास है। 23 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 24वां चैप्टर है। आयतन अग्रवाल मैंने स्टार्ट किया था। आप जिस भी बुक से पढ़ना चाहें, सारी बुक्स में सेम चैप्टर्स होते हैं, बस चैप्टर्स इधर उधर होते हैं। तो मैंने 23 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारा 24वां चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है। इससे पहले के जो अगर आप वीडियो नहीं देखे, अगर पहले के चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें शुरुआत से लेकर अब तक के जितने भी वीडियो जो मैंने मैथ्स के बनाए हैं उनकी सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप डले हुए हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी, आप जैसा चाहें वैसा आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। तो अब हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें आपको आज घनाभ और घन के बारे में बताऊंगा। यानी कि इसको ये जो रहता है ये आयत का ही रूप रहता है। मैंने क्या बताऊं, माचिस नहीं है क्या? माचिस तो है नहीं यार, यही बता रहे थे। चलिए, ये है, ये अगर आप, ये साबुन है, ठीक है, ये घनाभ है, ये घनाभ का रूप है। घर जो रहता है घर घनाभ का रूप रहता है, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, वो घनाभ का रूप रहता है। कमरा घनाभ का रूप कर सकता है या घन भी मान सकते हैं। अब ये जिसकी चारों हो जाए समान, मतलब छह फलक रहती है इसमें, एक देखो एक एक इसके दो तीन चार पांच और छह, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब इसको ऐसे माने तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। इसमें छह फलक रहती है, घनाभ में छह फलक रहती है, घन में भी छह फलक रहती है। तो इसमें हमें जो चीजें रहती है, इसका आयतन निकालना रहता है, इसका बाहर का जो बाहर ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल निकालना रहता है। इसके अलावा इसमें एक विकर्ण रहता है जो यहां से लेके यहां तक, इस आगे से पीछे तक का विकर्ण रहता है, मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें रहती है। तो इसके जो भी सूत्र है वो बेसिक में आपको करवा देता हूँ, उसके बाद में हम सवाल कर लेंगे। तो भाई तुम्हारा काम हो गया, तो ठीक है। तो पहली चीज देख लो, देखो घनाभ क्या रहता, हमने जब हम छोटे थे तब हम बनाया करते थे इस टाइप से, ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है, ध्यान से देख लो, ये बन गया घनाभ। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे घनाभ, ठीक है। घन की बात करें हम तो घन भी बना लेते हैं। घन में इसकी सभी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसकी क्या रहती, समान रहती। ये कहीं ना कहीं वर्ग का ही रूप रहता है। किसका रूप रहता है, वर्ग का ही रूप रहता है। इसकी सारी भुजाओं की लंबाई, सारी भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है। ये सब इसमें छोटा बड़ा हो गया होगा लेकिन आप सारी भुजाएं समान मान सकते हैं। अब यहां पर इसमें रहती लंबाई चौड़ाई और रहती है ऊंचाई, इसमें भी रहती लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन तीनों इसमें सेम रहती है। अब इसके लंबाई हम एल मान लेते हैं, चौड़ाई बी मान लेते हैं और ऊंचाई एच मान लेते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ए ए और ए ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, तीनों फल जो तीनों जो रहती है विभाएं वो बराबर, विमाएं वो बराबर रहती है। अब यहां पर हमने एल बी एच माना है इसका, इसमें छह फल की रहती है। तो इसमें देखो ये लंबाई हो गई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, ये हो गई इसकी ऊंचाई। अब जैसे ये एक आयत है, जैसे कैसे इसके पीछे एक आयत है, एक ये आयत है इसके पीछे एक आयत है, एक ऊपर आया था एक नीचे आया था, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है, देखिए आयतन मतलब क्या होता है, आयतन के बारे में आपको पता है, एक गिलास है, एक गिलास में कितना पानी आता है वो उसका आयतन हो जाता है, वो उसकी धारिता हो जाती है। एक बक्सा है उसमें कितना सामान आता है वो उसकी धारिता या उसका आयतन हो जाता है। यानी ये बक्सा है इसमें कितना सामान आएगा, इसमें कितना पानी आएगा, इसमें कितने गेहूं आ सकते हैं, इसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं छोटे छोटे, तो वो इसका आयतन हो जाएगा। तो एल इंटू बी इंटू एच घन और इकाई, इकाई मतलब ये सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। जब आपको एक बड़े बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी रहे उसमें आपको छोटे छोटे बक्से डालना है,
तो आपको बड़े बक्से में छोटे बक्से का आइटम का भाग दे देना है, बक्सों की संख्या आ जाएगी, छोटे बक्से जो है भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला होता है इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, यहां से लेके तो यहां तक की, यहां से लेके तो यहां तक की लंबाई, मतलब कि उस कोने से लेके, उस कोने से लेके नीचे कमरे, जैसे कि एक कमरे में अधिकतम लंबाई का बांस कितने लंबाई का रखा जा सकता है, तो उसके ऊपर छत का एक कोना और उससे विपरीत दूसरा कोना नीचे जमीन, वो उसका विकर्ण रहेगा, वहीं पर सबसे लंबा बांस रखा जाएगा। विकर्ण रहेगा रूट का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, जो भी इकाई रहेगी वो हो जाएगी। और अगला आता है संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, देखिए एक आयत इधर है, एक उधर है, एक ऊपर है, एक नीचे, इधर छह आयत है ना, तो छह आयत है, तो बस ये मान सकते हैं जैसे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं निकालते, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल भी, जमीन का और ऊपर का क्षेत्रफल, ये टोटल बाहर बाहर का क्षेत्रफल, ये तो होगा आयतन, ये तो होगा आयतन टोटल अंदर का, क्षेत्रफल बाहर का हो जाएगा, ठीक है। इसमें टू एल बी इंटू बी एच, सॉरी प्लस, प्लस का एल एच। अब देखिए यहां पर एक ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये चौड़ाई, ठीक है, तो इधर वाले ये जो है ये आपको जो फ्रंट पे दिख रहा है ये इसका इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू एच, ठीक है, ऐसा कैसा उसके पीछे है तो उसका भी एल इंटू एच, तो टू एल एच हो जाएगा, तो ये टू एल एच, ऐसे इसमें दो है तो टू बी एच और टू एल एच, टू कॉमन निकालिए, ठीक है। इसी प्रकार घनाभ का अगर हम देखें तो घनाभ का आयतन, देखिए घनाभ का आयतन सिंपल है, ए की पावर थ्री, क्या है, ए क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए ए और ए, तीनों क्या है, ए ए और ए, तीनों ए ए और ए, तो यहां पर आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अगला है इसमें भी विकर्ण रहेगा, इसका विकर्ण क्या रहेगा, रूट थ्री ए, रूट थ्री ए इसका विकर्ण की लंबाई रहेगी, ठीक है, वर्ग के विकर्ण क्या रहता है, रूट टू ए रहता है, इसका विकर्ण रूट थ्री ए रहेगा। इसमें भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या रहेगा, सिक्स ए स्क्वायर, सिक्स ए स्क्वायर, ए इंटू ए, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, और दो दो रहेंगे तो तीन ए स्क्वायर इंटू दो छह ए स्क्वायर। घनाभ का आयतन, विकर्ण और पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का आयतन, विकर्ण और पृष्ठ क्षेत्रफल, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा, इसमें आपको जो भी सवाल पूछेंगे हम करवाएंगे, इसके अलावा इसमें जो जो भी शंकु वगैरह है वो भी आगे हम करवाएंगे, इसके भी पांच छह चैप्टर होने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम सवाल करते हैं। फलहार है देवा तेरे नाम सहाय, चलिए करें सवाल, देखिए चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे फायदा यही है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन पहला, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस, तो बांस अधिकतम, अधिकतम तो खड़ा भी रख सकते, लेकिन उससे भी ज्यादा तो उसको आड़ा रखेंगे एक साथ, है ना, वो वाले कोने से ये वाले कोने तक जाए, मतलब तो मुझे कमरा दिख रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर, ये हो गया इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है, यानी कि विकर्ण, यानी कि विकर्ण बराबर अंडर रूट में हमारा सूत्र एल स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर उधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81, 8 का हो गया 64, जोड़ देंगे 4 और 5 चार 9, 8 से 14 चार 18, 8 हंस रहा है 1, 1 और 1 2, 289 यानी कि 17 मीटर, मीटर सर मीटर, आया कि नहीं आया समझ में, क्वेश्चन सिंपल था ना,
सिंपल ही है, क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं ये आपको सिर्फ है ना, इनमें आपको सूत्र याद रखने की जरूरत है, घन घना बोले आयात आयत वर्ग वृत्त सब में आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद नहीं रखने की जरूरत है, और आपको करना क्या है वो समझ में आना चाहिए। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स से घना भकार है, रीता के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है, रीता के बॉक्स की दहायता और मीता के बॉक्स की दहायता का अनुपात क्या है। देखिए रीता और मीता है ना, इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनके जो लंच बॉक्स है, हमने मान लिया मीता की लंबाई x चौड़ाई y और ऊंचाई z है, ठीक है। ये कह रही है कि रीता की जो लंबाई है, रीता के लंच बॉक्स की लंबाई है वो मीता की लंबाई और चौड़ाई वो इससे 10% अधिक है दोनों से, यानी ये हो गया 110x/100 और ये हो गया 110x/100, ठीक है, ये दोनों हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 20% कम है, तो ये हो गई 80x/100, ठीक है। ये चार बार, 20 से चार बार कट जाएगा, पांच बार कट जाएगा, 0000, ठीक है। अब यहां पर हमसे ये बोला गया इनकी जो धारिता का अनुपात क्या है, धारिता यानी कि आयतन, धारिता यानी कि आयतन मैंने आपको बताया है, ठीक है, यानी कि कितना सामान इनके बॉक्स में आता है। तो देखिए इसकी धारिता क्या रहेगी, एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि 11/10 × 4/5, ठीक है, एक्स वाई और जेड हो गया, बटे एक्स वाई और जेड इंटू में कर लेंगे, ठीक है। रीता के लंच बॉक्स का आयतन और धारिता और मीता के लंच बॉक्स का की धारिता, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, ठीक है। इस चार है यहाँ पर, यहाँ पर चार है, तो चार ये दो से ये पांच बार कटेगा, एक बार ये दो से ये पांच बार कटेगा, 11 कितना होगा 121 हो गया, बटे 25 में कितना होगा 25 और 125 हो गया, यानी कि रीता और मीता के बॉक्स के अनुपात क्या हो गया 121/125, ठीक है। देख लो ध्यान, देखिए चैप्टर क्या है, बहुत सरल है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने अनुपात समानुपात परसेंटेज ये सारी चीजें अगर पढ़ी हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर पुराना चैप्टर नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम आएगी। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई से आधी है, यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या है, कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई ऊंचाई से दोगुनी, हाँ ऊंचाई से दोगुनी और लंबाई से आधी, तो हमने माना चौड़ाई x मीटर, चौड़ाई क्या है x मीटर, 512 घन मीटर x मीटर है, अब ऊंचाई से दुगनी है ये, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x/2 मीटर हो जाएगी, पहले ये दुगनी है तो ऊंचाई ऑलरेडी क्या रहेगी x/2 रहेगी, मान लो ये 10 मीटर है तो ऊंचाई 5 मीटर रहेगी, और चौड़ाई लंबाई, लंबाई से आधी है, चौड़ाई जो है लंबाई से आधी, यानी कि लंबाई इसकी दोगुनी है तो 2x मीटर हो जाएगी। हमारे पास आयतन दिया हुआ 512, आयतन 512 बराबर x × x/2 × 2x, हमें निकालना है लंबाई, x का मान निकालेंगे लंबाई निकल जाएगी। अब ये दो से दो कट गया, ये हो गया x³ बराबर ये हो गया 512, 512 को किस में काटेंगे, 8, 8 और 8, ये हो जाएगा इसमें √3/512 बराबर x, इसमें से निकलेगा 8 बराबर x, x का मान आ गया 8 मीटर, 8 यहाँ 64 और 64 अठे की 512, 10 तक के क्यूब भी आ रहा है आपको। अब 2x यानी कि 8 × 2 बराबर 16 मीटर, 16 मीटर क्या हो गई, लंबाई हो गई इस क्या होता कमरे की, ठीक है। अगर देखो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरा जरा लाइक करें, है ना, और ठीक
अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बताया था इसी टाइप के क्वेश्चन है। 8 मीटर लंबे, 60 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचे लंबे चौड़े और ऊंचे अधिक से अधिक कितने डब्बे रखे जा सकते हैं? ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर और 6 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक बक्सा है, उसमें 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बक्से हैं, वो कितने रखाए जा सकते हैं इसके आयतन में? इसके आयतन का भाग है ना, इसका जो आयतन है इसके आयतन में इसके आयतन का भाग दे देंगे, हमें संख्या पता चल जाएगी। 8 मीटर है उसको सेंटीमीटर बन देंगे पहले, तो 800 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर और 600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बक्सों की संख्या बराबर 800 × 700 × 600 बटे 8 × 7 × 6 काट देंगे, 100 आया यहां से, यहां से भी 100 आया और यहां से भी 100 आया, गुणा करेंगे तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस 11,000, 10,000, 10,000,000, 10,000,000 10,000,000 बक्से, छोटे 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 बक्से हैं वो रखा जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए, एक दीवार जो 24 मीटर लंबी है, 8 मीटर ऊंची है और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की कितनी ईंटें लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट और रेत से बना मिश्रण। तो यहां पर भी हम भाग वही देंगे, ठीक है, टोटल जो निकलेगी ईंटों की संख्या उसका 10% जो है, 10% वो पूरी दीवार का 10% वो रेत सीमेंट से बना हुआ है, हम लगा देना जोड़ने के लिए। तो देख लो, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, 24 मीटर यानी कि 2400 सेंटीमीटर, 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर चौड़ी है ना, इसमें डायरेक्ट ही भाग दे दें ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर 2400 × 800 × 60 बटे ईंटों की लंबाई चौड़ाई क्या है, 24, 12 और 8, 24, 12 और 8। अब ये टोटल ईंटों की संख्या आ गई रेत समेत है ना, जबकि वो कह रहा है कि जो टोटल दीवार है उसका 10% हिस्सा, ये टोटल दीवार का हमने वो निकाला है आयतन, लेकिन उसका 10% हिस्सा जो है वो रेत सीमेंट का बना, यानी कि 90% ईंट, 90 कर दिया, बाद में करते बात बराबर ही, 24 से कट गया ये 100 आएगा, 8 से कट गया ये 100 आएगा है ना, और ये 0 से ये 0 कट गई, 6 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 50 बार कट गया और ये 0 से 0 कट गई। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया 5,000 × 9 तो 45,000 ईंटों की संख्या आ गई 45,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। एक घनाभ के विकर्ण की नाप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई 44 सेंटीमीटर, इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? घनाभ का विकर्ण दे दिया है, तीनों कोरों की लंबाई दे दी है, विकर्ण क्या रहता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर, और तीनों कोरों की लंबाई, भाई तीनों कोरों की लंबाई होती एल बी और एच बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ हम अगर बनाए यहां पर, इसको ये घन बन गया होगा, गुना मान तीनों कोर यानी कि लंबाई, ये ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, इनकी तीनों का योग दे दिया हमें, हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB + BH + LH। ठीक है, तो अगर आपने एक सूत्र पर, यहां से ये रूट है, ये रूट हट के
चढ़ जाएगा इसका स्क्वायर, क्या जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब मजेदार सवाल, हमें इसको एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर को एल बी एच और इसमें बदलना है कुल मिला के। तो देखिए हमारे पास एक सूत्र रहता है, क्या सूत्र है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ये जो है ये टोटल इधर लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, वो टोटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये माइनस ही आ जाएगा। तो अब ये समझ में अगर आ गया हो तो देख लो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 28 का स्क्वायर। अब हमारे पास एल प्लस बी प्लस एच का मान है यानी कि 44 हमारा, तो 44 का स्क्वायर और माइनस का टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 28 का स्क्वायर। ये 44 का स्क्वायर यही रहेंगे, 28 का स्क्वायर इधर आएगा, ये माइनस का उधर प्लस में चला जाएगा। 44 का स्क्वायर कितना 1936 माइनस का 28 का स्क्वायर होता 784 बराबर। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देते हैं, स्क्वायर इसको तलम पर लिखना पड़ता है। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 13 में से 8 गया 5 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा और 1 बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था बिल्कुल 1152 वर्ग सेंटीमीटर इस घना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे सवाल आपको आते हैं तो आपको वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले सूत्र भी याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतने ही सवाल काफी है। बेसिक मैंने आपको बता दिया, 5-6 सवाल भी करा दिए इस टाइप के सवाल, 2-3 मतलब घनाभ के मुश्किल से 15-17 सवाल है, तो इसी टाइप के हैं कुछ सवाल और है ना, जिनमें आपको बक्से जमाने हैं, विकर्ण निकालना है, इसी टाइप के हैं, इसी में ऊंचाई निकालनी है। सवाल मैं अगर आपको बताऊं इसी टाइप के सवाल है, तो ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक अगर मैं भार वाला करवा देता हूँ, उसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो वो और करवा देते हैं। एक लोहे का सहतीर, एक लोहे का सहतीर 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है ना। यदि एक घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो सहतीर का भार, सहतीर कुछ भी होता होगा, एक बक्से टाइप का कुछ भी होता होगा हमें नहीं पता, तो लोहे का एक सहतीर है उस वो 9 मीटर लंबा है ना, लंबाई चौड़ाई उसकी है 40 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर है ना। ये है वो कह रहा है एक घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम, एक घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम यानी एक घन मीटर इतना जितना भी होता होगा एक घन मीटर ये सब है ना, उसका जो भार है वो 50 किलोग्राम है, इसका भार कितना होगा हमसे पूछ रहा है इसका भार, तो हम इसका टोटल आयतन निकाल लेंगे उसमें कर देंगे 50 का गुणा, जितने घन मीटर रहेगा, 2 घन मीटर है तो 50 200 हो जाएगा, 3 घन मीटर है तो 15 150 हो जाएगा। अब ये 9 मीटर है तो उसको सबसे पहले तो 900 सेंटीमीटर कर लेंगे है ना, लेकिन ये नहीं नहीं ये घन मीटर में लोहे का भार दिया उसने तो इनको हम बदल लेंगे मीटर में, ये हो गया हमारा मीटर। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, बीस से ये कट गया 4 बार, 1/5 बार, 1/5 और ये 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, 2/5 हो गया। तो 9 × 2/5 × 1/5 ये क्या होगा, इसका आयतन होगा 9 × 18/5 = 25 घन मीटर आयतन है, यानी ये 1 मीटर भी नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसने भार पूछा हमसे, तो भार बराबर टोटल आयतन इंटू एक घन मीटर का 50 kg, 25 से कटेगा 2 बार और 18 कितना हो जाएगा 36 किलोग्राम।
यानी ये जो इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला एक तीर है उसका भार होगा 37 किलो का। इसके अलावा एक और ऐसे ही क्वेश्चन है उसमें भी इसी टाइप का, उसमें भी आपको यही करना। उसने एक गन सेंटीमीटर का दिया है और इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है, तो टुकड़े की लंबाई कितनी, लंबाई पूछ लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वही आपको सारे जो विमाओं की लंबाई चौड़ाई सब दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। आज हमारा बेसिक और कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, अब हमारे जैसे ही चैप्टर्स मतलब जो सवाल आते आएंगे, अब हम कल क्या है अगला बेलन, बेलन और शंकु का बेसिक बताऊंगा, फिर उसका सवाल करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम सवाल करेंगे। अगर आपने क्षेत्रमिति नहीं देखी तो भाई क्षेत्रमिति जरूर देखना, वो नहीं देखी तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। और पुराने चैप्टर भी नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं और हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया, तो पेज को लाइक करें। आप हमारे वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए।